Hello everyone. So we have started the unit 1, that is tens and dies, from the paper number 2. तो इस यूनिट में हम लोगों ने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है? तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द स्टेन एंड डाई, द कंसेप्ट ऑफ स्टेन एंड डाई, द डिफरेंस बिटवीन द स्टेन एंड डाई, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेन. उसमें हमने देखा कि स्टेन is having the three components, those are chromophore group, oxochrome group and benzene ring. तो उसके बाद में हम लोगों ने एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है और कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस तरीके से कलर की प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं स्टेन को. आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स, स्टेन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो स्टेन को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्टेन आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. स्टेन का जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है तो उसके बाद में उसमें जो क्रोमोफोर पार्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस बेसिस पे हमने स्टेन को कैटेगराइज किया था थ्री कैटेगरीज में, विच आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल स्टेन्स. तो एसिडिक स्टेन्स क्या होते हैं? इन जनरल द स्टेन्स विच possesses or shows the negative charge on the chromophore part after the electrolytic dissociation. इसके हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, दैट इज यूओसिन, जिसका केमिकल नेचर होता है सोडियम प्लस एंड यूओसिनेट माइनस. तो ये स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था, एक एग्जाम्पल दूसरा भी लिया था हम लोगों ने पिक्रिक एसिड का. इसके बाद में हमने देखा कि यूजुअली जो स्लाइड का बैकग्राउंड होता है उसे कलर करने के लिए एसिडिक स्टेन का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो भी बेसिक कंपोनेंट्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको भी स्टेन करने के लिए एसिडिक स्टेन का यूज़ किया जाता है. हमने उसके बाद में देखा कि बेसिक स्टेन क्या होते हैं. तो बेसिक स्टेन्स आर दोज स्टेन्स विच शोज पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्रोमोफोर पार्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. मतलब इनका जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा तो इसका जो भी क्रोमोफोर पार्ट है इट विल शो अ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज है तो बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिक स्टेन्स विल स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट्स इन द सेल. जो भी एसिडिक कंपोनेंट्स होंगे जिनके पास निगेटिव चार्ज रहेगा उन्हें ये कलर करेंगे. तो इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था, दैट इज मिथिलिन ब्लू प्लस क्लोराइड माइनस. मिथिलिन ब्लू प्लस इज अ क्रोमोफोर पार्ट which is having a positive charge, so that's why methylene blue chloride, इसका नाम क्या है, methylene blue chloride. तो this will be basic stain. basic stain के अलग अलग examples देखे हमने, जैसे कि crystal violet है, safranin है, basic fusion है, carbol fusion है, sudan black b है, malachite green है. तो इनका widely use किया जाता है microbiology में. इसका reason हम लोगों ने discuss किया था, that the surface of the cell is negatively charged and whenever we want to stain the cell only, उसका जब हमें surface stain करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, basic stain use करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास उसके opposite charge है which is a positive charge. इसके अलावा जो भी nucleic acids है और metachromatic granules है इन्हें भी कलर करने के लिए बेसिक स्टेन का यूज़ किया जाता है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रल स्टेन्स. तो न्यूट्रल स्टेन्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर दोनों भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है. इसका मतलब क्या है, द मिक्सचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन्स जो होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रल स्टेन्स. न्यूट्रल स्टेन्स आर दोज दैट शोज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस ऑन द क्रोमोफोर पार्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. तो इसका केमिकल नेचर हम लोगों ने देखा, इसका एग्जाम्पल देखा सबसे पहले हमने कि दैट इज जिम्सा स्टेन. जिम्सा स्टेन में क्या है, तो मिथिलिन ब्लू प्लस है, क्रोमोफोर पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्रोमोफोर पार्ट है यूओसिनेट विच इज हैविंग अ निगेटिव चार्ज. तो मिथिलिन ब्लू प्लस ये क्रोमोफोर पार्ट हमने देखा था कि बेसिक स्टेन के अंदर था और जो यूओसिनेट है वो हमने देखा कि एसिडिक स्टेन के अंदर क्रोमोफोर पार्ट था. तो मतलब क्या है, एसिडिक और बेसिक दो जो स्टेन्स है उनका जो भी मिक्सचर होगा उसे कहा जाता है न्यूट्रल स्टेन. तो इसके अदर एग्जांपल्स थे, लिम्शा स्टेन है, राइट स्टेन है, चेनस स्टेन है और अदर कुछ ब्लड स्टेन्स है. न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए जनरली न्यूट्रल स्टेन्स का यूज़ किया जाता है. तो ये होने के बाद में अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट 1,
दैट इज स्टेनिंग सॉल्यूशंस। सो स्टेनिंग सॉल्यूशंस क्या होती है? स्टेनिंग सॉल्यूशन, अभी इसमें क्या होगा, स्टेन रहेगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में हम स्टेन का जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसे जनरली स्टेनिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। स्टेनिंग सॉल्यूशंस आर मोस्टली एक्वियस। एक्वियस मतलब क्या, कि जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर होता है उसके अंदर स्टेन का पाउडर डाला जाता है, उसे मिक्स किया जाता है और इसी को स्टेनिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। इन सम केसेस इफ द स्टेन इज वाटर इनसोल्यूबल, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है जो भी स्टेनिंग पाउडर है, स्टेन का जो भी पाउडर है, हमने अभी देखा था कि क्रोमोफोर का देखा था हमने, पैरानाइट्रोबेंजीन का हमने देखा था एक डायग्राम, तो उसमें पाउडर्ड फॉर्म में था, येलो कलर की पाउडर थी पैरानाइट्रोबेंजीन की, इसका मतलब स्टेन पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो जनरली जो स्टेन पाउडर्ड फॉर्म में है, ज़रूरी नहीं है दैट पाउडर्ड स्टेन इज सोल्यूबल इन वाटर, कभी कभी वो वाटर में इनसोल्यूबल भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, स्टेन को अल्कोहल में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, एक्वियस किया जाता है उसे। तो स्टेनिंग सॉल्यूशंस हम कैसे बनाते हैं, द एक्वियस मीडियम यूज्ड टू प्रिपेयर द स्टेनिंग सॉल्यूशन कैन आइदर बी वाटर फॉर द स्टेन्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इट विल बी अल्कोहल इफ द स्टेन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। और उसके बाद में क्या किया जाता है, इस स्टेन को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट किया जाता है मतलब क्या, कि इसमें बहुत ज़्यादा फिर से वाटर या फिर अल्कोहल को उसे ऐड किया जाता है और उसे डाइल्यूट किया जाता है। अल्कोहल इज़ अ डीकलराइजर, देयरफॉर नो प्योर अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। तो हमें मालूम है कि अल्कोहल डीकलराइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे कि अभी सब लोगों को मालूम है कि COVID-19 पैंडेमिक की सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो हम सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं। सैनिटाइजर्स में क्या क्या होता है, इथेनॉल लिखा होता है उसके ऊपर, 70% इथेनॉल, मतलब इथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ही टाइप है इथेनॉल, मेथेनॉल है, इथेनॉल है। तो जो अल्कोहल है तो ये डीकलराइजर्स का काम करते हैं, मतलब कलर्स को डीकलराइज करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेनिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो डीकलराइजेशन कलर का ना हो, स्टेन का डीकलराइजेशन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सॉल्यूशंस नहीं बनाते हैं, हम इन्हें डाइल्यूट करते हैं और कम कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। सॉल्यूशंस आर जनरली कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्टेन, तो स्टेन का कॉन्सेंट्रेशन इनके अंदर बहुत कम होता है, लाइक 0.5% और 1%। तो परसेंट इसका मतलब क्या होता है, 0.5% मीन्स वॉट, 0.5 ग्राम ऑफ दिस स्टेनिंग पाउडर व्हेन वी एड इट इन 100 ml वॉल्यूम, द वॉल्यूम कैन बी वाटर और अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम डालें, मतलब 100 ml में जब हम 0.5 ग्राम डालते हैं तो उसे कहा जाता है 0.5%। परसेंट का मतलब होता है 100, 1% का मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम व्हेन वी एड इन 100 ml इट विल बी 1% सॉल्यूशन। तो इतना कम कॉन्सेंट्रेशन में हम स्टेन को बनाते हैं। स्टेनिंग सॉल्यूशंस में जो भी स्टेन का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ वेरी लो, विच इज 0.5 to 1%। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने का लॉजिक क्या है, क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनानी है, बिकॉज द डाइल्यूट सॉल्यूशंस एक्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड एंड इन जनरल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स व्हाइल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस एक्ट्स फॉर शॉर्टर पीरियड। तो यही इसका रीज़न है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनका लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विद द कॉन्सेंट्रेटेड स्टेनिंग सॉल्यूशंस, सो दैट वी प्रिपेयर द स्टेनिंग सॉल्यूशंस इन लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये था स्टेनिंग सॉल्यूशंस के बारे में। अभी इतना सब होने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट में से, दैट पॉइंट इज ये नहीं है, जो स्लाइड्स है ये नहीं है, तो हमारा पॉइंट यहाँ से आगे जो है वो है स्मेयर बनाना। स्मेयर प्रिपरेशन मतलब स्मेयर कैसे बनाते हैं, तो ये भी एक्चुअल सिलेबस में से पॉइंट नहीं है। सिलेबस में से इसके बाद वाला जो एक्चुअल पॉइंट है, दैट पॉइंट इज अ स्टेनिंग, स्टेनिंग की मेथड्स, जिसमें सिंपल स्टेनिंग है, निगेटिव स्टेनिंग है और डिफरेंशियल स्टेनिंग है।
बट टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ द स्टेनिंग वी शुड नो अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स इन द माइक्रोबायोलॉजी एंड सम बेसिक इक्विपमेंट्स विच आर यूज इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब. तो ये इन सब की जानकारी होने के बाद ही हम स्टेनिंग मेथड्स समझ सकते हैं. तो उसके लिए जो भी बेसिक पार्ट है वो बेसिक पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स के बारे में. तो अभी ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं द बेसिक इक्विपमेंट्स इन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं. तो सबसे पहला है निक्रोमायर लूप. तो जो फर्स्ट डायग्राम है जिसके अंदर आपको एक लंबा सा नीडल दिखाई दे रहा होगा और उसके आगे एक लूप वाला स्ट्रक्चर है जो आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, जो छोटा सा सर्कल है उसे लूप कहा है. जो फर्स्ट डायग्राम में है उसका जो टिप है ऊपर वाला, तो वहाँ पे जो लूप है उसका ही जूम्ड डायग्राम जो है वो सेकेंड डायग्राम है. तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो है निक्रोम वायर लूप. वायर लूप मतलब क्या है, ये देख सकते हो आप, वायर के जैसा है और इसके आगे एक लूप बना हुआ है. निक्रोम वायर लूप इसे क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज मेडअप फ्रॉम द निक्रोम, दैट इज निकेल एंड क्रोमियम. गूगल पे आप सर्च कर लो निक्रोम क्या है, क्यों कहा है, पहले कौन से टाइप के निक्रोम वायर लूप था या कौन से टाइप के अलग लूप्स का यूज़ किया जाता था माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपको पूरा उसका नॉलेज मिल जाएगा. तो फिलहाल बस हमें इतना मालूम होना चाहिए दैट देयर इज अ डिवाइस इन द माइक्रोबायोलॉजी विच इज कॉल्ड एज अ निक्रोम वायर लूप. इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो निक्रोम वायर लूप को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए. क्योंकि हाथों से तो नहीं ले सकते हैं, कंटामिनेशन हो जाएगा. कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. जब भी हम हैंडल करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं, बट जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो हम उन्हें हाथों से हैंडल नहीं कर सकते हैं, हाथों से पिक नहीं कर सकते हैं. तो उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे कहा गया है निक्रोम वायर लूप. तो इसे हमेशा स्टरिलाइज करना पड़ता है जब भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र करना है. उसी स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमें इस लूप को स्टरिलाइज करना होता है. इस लूप की ये खासियत होती है दैट ये जब हम इसे स्टरिलाइज करने के लिए हीट करते हैं, तो हमें हीट कैसे करना है, इसे हमें दो बंसन बर्नर्स लगेंगे. तो आपने बंसन बर्नर्स देखे होंगे केमिस्ट्री के लैब में, आपने एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म किए होंगे तो आपने बर्नर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा. तो जो बंसन बर्नर होता है उसे हमें जलाना है, ऑन करना है, और ये जो लूप होता है, लूप को हमें उसके ऊपर होल्ड करना है. उसकी जो फ्लेम है बर्नर की, उसके ऊपर हमें इसे होल्ड करना है. फ्लेम जैसे ही चलेगी तो ये जो लूप है ये रेड हॉट कलर का हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स, 2 to 5 seconds के अंदर ये पूरा रेड हॉट हो जाएगा. इसके बाद में हमें उसे फ्लेम से साइड में लेना है और ये 2 to 5 seconds में ही पूरा कूल हो जाएगा. तो यही है निक्रोम वायर लूप की खासियत, कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है और उतने ही जल्दी ये कूल भी हो जाता है. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए. दूसरी जो डायग्राम है नीचे, जिसमें आप देख सकते हो कि ग्लास की कुछ स्लाइड्स रखी हुई है. स्लाइड्स तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगी. उसके बाद में जो छोटी छोटी स्क्वायर शेप में स्लाइड्स हैं वो एक्चुअली कवर स्लिप्स हैं, जिनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है. और जो रेक्टेंगुलर शेप वाली स्लाइड्स है, ग्लास स्लाइड, उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है. उसके बाद में जो लास्ट वाला डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्कल शेप में कुछ 2 plates रखी है, तो इन्हें कहा जाता है पेट्री प्लेट. तो ये एक ही पेट्री प्लेट है, अलग अलग 2 नहीं है. जो नीचे वाली है, ठीक है, जो नीचे वाली है और उसके ऊपर एक दूसरी रखी है साइड से. तो जो नीचे वाली है वो है उस पेट्री प्लेट का बेस, और जो ऊपर वाला है पार्ट वो है पेट्री प्लेट का लीड, मतलब उसका ढक्कन, ठीक है. तो ये होती है पेट्री प्लेट.
पेट्री प्लेट क्यों जरूरी होती है माइक्रोबायोलॉजी में? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ही सर्वाइव नहीं करेंगे, उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, जैसे हमें फूड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका जो फूड होता है उसे माइक्रोबायोलॉजी में मेडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडिया या फिर मीडियम, ठीक है। तो ये जो मीडियम होता है इसे हम इस पेट्री प्लेट के अंदर डाल देते हैं और उस मीडियम के ऊपर या फिर मीडियम के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। तो पेट्री प्लेट जो होती है वो अलग अलग साइजेस में हो सकती है, जैसे आप उस डायग्राम में देख सकते हो। कुछ बहुत छोटी है, मतलब जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम है, कुछ बड़ी है, ठीक है। ये प्लास्टिक में भी हो सकती है, इसका जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक भी हो सकता है या फिर ग्लास की भी बनी हो सकती है। तो यूजुअली हम ग्लास की जो बनी होती है पेट्री प्लेट्स उनका यूज़ करते हैं। जो सेकेंड डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि जो पेट्री प्लेट है, फर्स्ट डायग्राम में तो सभी पेट्री प्लेट्स ब्लैंक है, मतलब उनके अंदर कुछ भी नहीं है। जो सेकेंड डायग्राम है इसके अंदर जो भी पेट्री प्लेट है उसमें कुछ येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। दैट येलो कलर इज नथिंग बट इट इज मीडियम, दैट इज फूड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड है। तो सेकेंड यूनिट जो है फ्रॉम द पेपर नंबर 2, उसमें हम देखने वाले हैं कि मीडियम क्या होता है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं मीडिया के, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो बस आप इतना सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो भी, तो वो पूरे प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है मीडियम। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है इसके अंदर जो भी येलो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज़ द मीडियम। तो ये जो पेट्री प्लेट है ये हो गई पेट्री प्लेट कंटेनिंग मीडियम, दैट इज फूड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी हम फूड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, स्ट्रिकिंग टाइप से हमने इन्हें ग्रो किया है, तो अब ये स्ट्रिकिंग क्या होती है इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रिकिंग कैसे करते हैं। तो तब तक आप इतना याद रखो कि ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर ये जो भी मीडियम है इसके ऊपर जो भी आप देख रहे हो लाइंस खींची हुई दिखाई देगी। दिस लाइंस आर नथिंग बट दी माइक्रोब्स जो कि ग्रो हुए हैं। ग्रो कैसे हुए हैं? जो भी फूड हमने उन्हें प्रोवाइड किया था इन द फॉर्म ऑफ द मीडियम, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उनका यूटिलाइज करके, न्यूट्रिएंट्स को गेन करके वो खुद ग्रो हुए हैं, सेल्स डिवाइड हुई हैं, उन्होंने उनकी बहुत सारी जनरेशंस बनाई है और हमें उनकी ग्रोथ जो है वो इस फॉर्म में दिखाई दे रही है। और जो डॉट्स आप इन प्लेट्स के अंदर देख रहे हो दैट डॉट्स आर कॉल्ड एज द कॉलोनीज, कॉलोनीज कहा जाता है इन्हें। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, कॉलोनीज होती है अलग अलग, हम उन्हें नाम देते हैं अलग अलग टाइप से। तो पॉपुलेशन, इस एरिया की पॉपुलेशन, इस कॉलोनी की पॉपुलेशन, उस कॉलोनी की पॉपुलेशन, जैसे हम कैटेगराइज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये है कॉलोनीज होती है, ठीक है। तो ठीक है, अभी जो बैक्टीरियल सस्पेंशन प्रिपरेशन, तो ये क्या है, सस्पेंशन क्या है, बैक्टीरिया का सस्पेंशन क्या है, इसे कैसे बनाना है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू।